बीजेपी भारत जोड़ो यात्रा के माध्यम से राहुल गांधी को घेरने का कोई भी मौका नहीं छोड़ रही है। बीजेपी के तमाम बड़े नेता राहुल गांधी पर कटाक्ष कर रहे हैं। इसको लेकर हरीश रावत का कहना है कि भाजपा से कोई उम्मीद नहीं की जा सकती है। जब हमने मोदी जी की दाढ़ी देखी तब हमने कहा उनके अंदर गुणभाव आ रहे हैं। राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं तो बीजेपी के नेताओं को उनमें सद्दाम हुसैन नजर आ रहा है, क्योंकि भाजपा को सपने में भी सद्दाम हुसैन ही नजर आते हैं। इसमें हम उनकी कोई मदद नहीं कर सकते। भाजपा से इससे कोई बेहतर उम्मीद नहीं की जा सकती है। हमने जब मोदी जी की दाढ़ी देखी तो हमने कहा इनमें गुरु भाव आ रहा है, शायद सहिष्णुता का भाव पैदा हो रहा है। और अब राहुल गांधी जी यदि यात्रा में हैं, पिछले अब लगभग 7 दिसंबर को उनको 3 माह पूरे हो जाएंगे, तो उनको उनमें सद्दाम हुसैन नजर आता है। प्रभु मूरत तिन देखी तैसी जाकी रही भावना जैसी, भाजपा को सद्दाम हुसैन ही सपने में भी दिखाई देते, हम उनकी मदद नहीं कर सकते। वहीं हरिद्वार सांसद रमेश पोखरियाल निशंक द्वारा भारत जोड़ो यात्रा पर तंज कसते हुए कहा था इस यात्रा से कांग्रेस को कुछ भी फायदा नहीं होगा, कांग्रेस पूरे देश में खत्म हो रही है। इसको लेकर हरीश रावत ने कहा कि निशंक जी पहले गंगा में डुबकी लगाएं, क्योंकि उन्होंने इतने साल प्रतिनिधित्व करते हुए हरिद्वार का अपमान किया है। उसके लिए वो पहले हरिद्वार की जनता से क्षमा मांगे, उसके बाद ही हमारी यात्रा पर उंगली उठाएं। निशंक जी पहले गंगा में 5-7 डुबकी लगा करके जो उन्होंने इतने वर्षों के प्रतिनिधित्व में हरिद्वार का अपमान किया, उसके लिए हरिद्वार से क्षमा मांग लें, उसके बाद जो है हमारी यात्रा पर कोई कमेंट। वही आगामी लोकसभा चुनाव में हरिद्वार से एक बार फिर से चुनाव लड़ने की तैयारी हरीश रावत द्वारा की जा रही है और उनके द्वारा चुनाव लड़ने की इच्छा भी जताई जा रही है। हरीश रावत का कहना है कि हरिद्वार में कांग्रेस अच्छी तरह से लड़ेगी, ये यात्रा कांग्रेस की है। मैं राजनीतिक व्यक्ति हूँ ना कि सन्यासी हूँ, आज तो सन्यासी भी राजनीति कर रहे हैं। मेरा यात्रा का उद्देश्य राजनीतिक भी है और पार्टी की जो मुहिम है उसका हिस्सा भी बनना है, क्योंकि उत्तराखंड में कांग्रेस का वरिष्ठ व्यक्ति भी मैं ही हूँ। कई सालों का राजनीति का अनुभव भी है। पार्टी किसको लड़ाती है ये तो वही तय करेगी। मेरी जीतने की जितनी योग्यता थी मैं उसको हासिल कर चुका हूँ। कांग्रेस लड़ेगी और ये यात्रा कांग्रेस के लिए भी है। मैं राजनीतिक व्यक्ति हूँ, मैं कोई सन्यासी नहीं हूँ। तो सन्यासी राजनीति करते हैं, मैं तो सीधा सीधा बिल्कुल 100% राजनीतिक व्यक्ति हूँ। और मेरी यात्रा का उद्देश्य राजनीतिक भी है और साथ साथ जो पार्टी की एक अखिल भारतीय मुहिम है उस मुहिम का हिस्सा भी बनना है। तो आखिर यहाँ सबसे वरिष्ठ व्यक्ति मैं ही हूँ, यदि मैं उस मुहिम को यहाँ नहीं चलाऊंगा तो कौन चलाएगा। पार्टी का इतने वर्ष का मुझ में इन्वेस्टमेंट है, तो उनका पार्टी का ये भी तो अधिकार है कि वो मुझको लड़ाती है या किसको लड़ाती है ये पार्टी तय करे। और जहाँ तक मेरा अपना व्यक्तिगत सवाल है, मेरी जितने लायक योग्यता थी आप सब लोगों के आशीर्वाद से, उत्तराखंड के लोगों के और हरिद्वार के लोगों के आशीर्वाद से मैं वो सब चीज़ प्राप्त कर चुका हूँ, अब उसमें कोई विशेष एडिशन नहीं होने जा। दरअसल राहुल गांधी की दक्षिण भारत से निकाली गई भारत जोड़ो यात्रा की तर्ज पर उत्तराखंड में भारत जोड़ो यात्रा निकाली जा रही है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत हरिद्वार में भारत जोड़ो यात्रा की अगुवाई कर रहे हैं। हरीश रावत ने यात्रा के माध्यम से बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व पर करारा वार किया। साथ ही हरिद्वार सांसद रमेश पोखरियाल की ओर से दिए गए बयान पर तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि निशंक पहले गंगा में डुबकी लगाएं। पंजाब केसरी टीवी के लिए हरिद्वार से राजकुमार पाल की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।